हेलो, मैं गौरव आपका वेलकम करता हूँ इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एक गार्डनिंग सर्विसिंग की वेबसाइट या फिर एक एग्रीकल्चर वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं वर्डप्रेस में, साथ ही साथ इसका कैसे सेटअप करेंगे और कैसे इसका कस्टमाइजेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए हमें सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो इसको आप डोमेन जैसे वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये एक बहुत ही रिलायबल और फास्ट स्पीड वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है, जो काफ़ी लंबे समय से इंडिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप इन्हें चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनके प्लान्स बहुत ही अफोर्डेबल है और सर्विस भी बहुत ही अच्छी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके डोमेन भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाते हैं। जैसा कि आप .com, .in, .xyz, .org डोमेन भी यहाँ से बाई कर सकते हैं, और शेयर और रीसेलर और VPS के भी आप इसमें प्लान चेक कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। शेयर प्लान भी आपको मतलब 59 रुपीज़ पर मंथ में स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें SSD स्टोरेज भी मिलता है, जो आपकी वेबसाइट को अच्छी स्पीड बूस्ट करता है। तो शेयर स्टोरेज में अपन देख सकते हैं कि इसमें जैसे 59 रुपीज़ पर मंथ में आपको होस्टिंग सर्विस अवेलेबल हो जाती है, जो कि सबसे चीप वेब होस्टिंग है अगर देखा जाए तो। पर इनकी जो सर्विस है वो बहुत ही फास्ट है। और चार प्लान जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इस डोमेन रेसर के शेड के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये कि अनलिमिटेड SSD डिस्क है, फ्री SSL सर्टिफिकेट है, सी पैनल है, प्लस SEO टूल है, और क्लाउड जो सर्विस है वो भी आपको इसमें अंदर मिलती है। तो इस तरह के आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप स्टार्टिंग फेज में और आप एक बहुत ही अच्छे लेवल की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट में, या अपने क्लाइंट के लिए भी बना रहे हैं, तो आप इनके प्लान को चेक कर सकते हैं। बेसिक, पर्सनल, सिल्वर और एडवांस, जैसा कि आप चार प्लान इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इसमें जैसे अगर बेसिक प्लान के साथ जाएंगे तो आपको जो 5GB बैंडविड्थ मिलेगी, वन आप वेबसाइट इसको होस्ट कर सकते हैं, और SSD डिस्क पे मिलता है आपको 1GB। पर्सनल में जैसा कि आप देख सकते हैं 99 रुपीज़ पर मंथ में इनके प्लान स्टार्ट है, और इसमें आप सिंगल वेबसाइट के साथ आपको अनलिमिटेड SSD और अनलिमिटेड जो बैंडविड्थ है वो आपको प्रोवाइड होती है। और साथ साथ ईमेल अकाउंट भी आप बना सकते हैं, प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट भी आप इसमें फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। सिल्वर में जैसे आप देख सकते हैं कि 169 पर मंथ में इसके प्लान अवेलेबल हो जाते हैं, जहाँ आप 3 वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं एक ही होस्टिंग के अंदर। आपको डोमेन अलग से बाय करना होगा, बट जो ये सर्विस है ये आपको जो 3 वेबसाइट आप एक साथ होस्ट कर सकते हैं। एडवांस में आपको एक डोमेन भी फ्री मिलता है, और अनलिमिटेड SSD और अनलिमिटेड जो सर्वर आपको स्पीड मिलती है, SSD स्टोरेज मिलती है इसके अंदर। तो जैसा कि मैं आपको इसका जो ये प्लान है वो बता देता हूँ, थर्ड प्लान। तो जैसा कि आप इसमें डोमेन अगर आप चाहे तो इसमें यहाँ से खुद से रजिस्टर कर सकते हैं, या आप जैसे GoDaddy या कोई और वेबसाइट से आप इसमें डोमेन परचेज करके अटैच भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक डेमो के लिए बता देता हूँ, कोई भी आप डोमेन का अपना नाम लिख दीजिएगा, और या .com या .xyz आप लिख दीजिएगा जो आपके डोमेन का एक्सटेंशन है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 ईयर के लिए हमें 2271 रुपीज़ हमको पे करना होगा। चेकआउट पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपन को नॉर्मल जो डिटेल होती है वो फिल करके हमको सीधा पेमेंट मोड सेलेक्ट करना होता है और पेमेंट करना होता है, जो कि बहुत ही आसान है। आसानी से हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उस तरह इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरा जैसे पहले से ही परचेस किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्लाइंट एरिया में जाकर। तो जैसे मैं एक्टिव पे क्लिक करूँगा ये सर्विस पे, कुछ इस तरह का इनका पैनल है, अंदर का पैनल जैसे कि आप देख सकते हैं। SEO टूल भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों, जो आपकी वेबसाइट को SEO करने में काम में आता है। और जैसे नेम सर्वर भी आप देख सकते हैं अपने जो डोमेन में, वो नेम सर्वर अपडेट करके आप सीधा ही कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे अपने सी पैनल में मैं लॉगिन हो जाऊंगा, अपने कंट्रोल पैनल कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, एडवांस है और काफ़ी लाइट है, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। और इनमें आप जैसे बहुत सारे जैसे फंक्शन आप देख सकते हैं, उनको आप आसानी से यूज़ में ले सकते हैं। जैसे आप नीचे जाएंगे स्क्रिप्ट में, हम वर्डप्रेस सिलेक्ट करेंगे और वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे अपनी जो डोमेन के अंदर। अभी हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, और जो अपना डोमेन होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे, और जो नॉर्मल यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो आपको एंटर करना होगा नया, और हम अपना एक जो वर्डप्रेस अकाउंट है वो क्रिएट कर लेंगे। बहुत ही आसान है, इजी टू यूज़ स्टेप है, और आसानी से आप अपनी बहुत ही अच्छी वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं इस होस्टिंग की सहायता से। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार इसे ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि मैं इसे बहुत ही टाइम से इसे यूज़ में ले रहा हूँ, और मुझको बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, अब इंस्टॉल पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। तो जैसा कि इंस्टॉल हो गया है,
जैसा कि अब आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो गए हैं, तो कुछ इस तरह का वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सिंपल है और आसानी से आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे प्लगइन सेक्शन में जाएंगे हम और कुछ सिंपल टूल्स और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, तो या ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे ऊपर, और यहाँ सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा होगा क्लासिक एडिटर, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। बहुत ही सिंपल प्लगइन है दोस्तों, जिसको हम इंस्टॉल कर लेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। कुछ इस तरह का ये प्लगइन शो होगा हमें। एक्टिवेट पे हम क्लिक कर देंगे। अब योस्ट SEO भी सर्च करेंगे हम, योस्ट सर्च करेंगे YOAST। तो ये SEO करने की यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के काम आता है, जो हमारे गूगल में हमारी रैंकिंग बढ़ाने में हेल्प करता है, हमारी पोस्टेज को और पेजेस को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हमें इंस्टॉल कर लेंगे। नाउ इसको एक्टिवेट कर लेंगे हम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे इंस्टॉल हो गया है। अब हम थीम सेक्शन में जाएंगे और नई थीम ऐड करेंगे यहाँ पर जाकर। यहाँ हम सर्च करेंगे ASTRA एक्स्ट्रा थीम, इसको हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। जो आप देख सकते हैं फर्स्ट थीम आ गई है जो। बहुत ही अच्छी थीम है दोस्तों, इसको आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लीजिएगा। इसके थ्रू आप बहुत सारी जो वेबसाइट के टेम्पलेट को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम प्लगइन सेक्शन में जाएंगे और एक नया प्लगइन वापस ऐड करेंगे ऐड न्यू पर क्लिक करके। इसका नाम भी है दोस्तों ASTRA एक्स्ट्रा। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे और इसको भी एक्टिवेट कर लेंगे। नाउ इसमें एलिमेंटर हम सिलेक्ट करेंगे सेकेंड नंबर। अब जैसा कि हम अपने स्टार्टर टेम्पलेट में लॉगिन हो गए या फिर सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे टेम्पलेट हमारे पास अवेलेबल है, जिनको यूज़ में लेकर हम एक बहुत ही अच्छी लेवल की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे कोई गार्डनिंग की वेबसाइट है, तो वो हम जैसे इसमें गार्डनिंग मेंटेनेंस की सर्विसिंग की वेबसाइट है, तो वो हम टेम्पलेट में आपको इंस्टॉल करके बताऊँगा। बहुत ही अच्छा और सिंपल जो थीम है आप देख सकते हैं। तो इस तरह की अगर आपकी कुछ सर्विसेज है गार्डनिंग रिलेटेड या एग्रीकल्चर रिलेटेड या कुछ होम सर्विसिंग रिलेटेड, तो उसके लिए ये थीम बहुत ही परफेक्ट है, टेम्पलेट बहुत ही परफेक्ट है। तो सारे पेजेस आप देख सकते हैं। अब इंपोर्ट कंप्लीट साइट पर क्लिक करके हम इस वेबसाइट को, इस टेम्पलेट को अपनी वेबसाइट में इम्पोर्ट कर लेंगे। यूजुअली इसको 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है, तो आपको इतना वेट करना होता है। अब जैसे मैंने फास्ट फॉरवर्ड में आपको बता दिया है, तो इम्पोर्ट सक्सेसफुली हो गया है। अब व्यू साइट पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की हमारी वेबसाइट शो हो रही है। बहुत ही अच्छी वेबसाइट दिखाई दे रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। ऐसी वेबसाइट आप खुद के लिए बना सकते हैं या अपने क्लाइंट्स के लिए भी बना के आप सेल कर सकते हैं। अबाउट अस सेक्शन में आप जैसा कि देख सकते हैं, ये सारे पेजेस आ गए इसके अंदर, तो उसको भी आप आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। सर्विसेज में जाएंगे तो जो जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हो उससे रिलेटेड डिटेल भी आप यहाँ दे सकते हो कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। उसकी इमेजेस आप डालना चाहते हो अपने, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। आसान है, कोई भी आपको इश्यू नहीं होगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी समझ जाए कि आपको कैसे इस तरह का सेटअप करना है, इसका कस्टमाइजेशन करना है। नाउ FAQ सेक्शन में आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप बहुत सारी डिटेल्स है वो फिल कर सकते हैं। जैसे कि हम होम पेज पर आ जाएंगे और एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने हमारा एलिमेंटर जो टूल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम इस प्लगइन की मदद से सीधे इजी टू कस्टमाइज करके अपनी वेबसाइट को सेट कर सकते हैं।
नाउ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स, तो इस तरह के जो हेडिंग है मेन कैची हेडिंग होनी चाहिए जो मतलब व्यूअर्स को अट्रैक्ट करे, तो उस तरह की आप हेडिंग यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे नीचे मोबाइल नंबर आप डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं आसानी से। तो मैं तो ऐसे डेमो आपको बता रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे अपने जो मोबाइल नंबर है, कोई डिस्क्रिप्शन है, वो डिटेल है, तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड की इमेज है तो वो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, और कोई नई इमेज आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इमेज लगा सकते हैं। हालांकि मैं कंट्रोल जेड करके वो वापस पुरानी वाली लगा दूंगा। अब मीट द नेचर हाईवे हाफ वे, तो इसको भी आप अपने हिसाब से कोई नया बुलेट पॉइंट आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, या फ्यू वर्ड्स अबाउट अस, तो इसमें अपने अबाउट अस सेक्शन में आप कुछ नए अपने बारे में डिटेल देना चाहते हैं, या अपनी इमेजेस देना चाहते हैं, या अपने एग्रीकल्चर रिलेटेड या अपनी गार्डनिंग रिलेटेड जो सर्विस आप प्रोवाइड करें तो उससे रिलेटेड वाली इमेज भी यहाँ पे डाल सकते हैं। वर्क करते हुए आप इसमें डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यू शुड चूज अस, तो इसमें अपने जो बुलेट पॉइंट बताया कि आप हमें क्यों चूज़ कीजिए करेंगे, तो इसमें आप बता सकते हैं हम अफोर्डेबल प्राइसिंग है, क्वालिटी सर्विस है, ये वो। नाउ इसमें अब आप इमेजेस है तो वह भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई वीडियो डालना चाहते हैं उसकी लिंक डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। नाउ रिसेंट प्रोजेक्ट, या रिसेंट प्रोजेक्ट में आप बता सकते हैं कि हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो प्रीवियसली कम्प्लीट किए हैं, तो उनकी इमेजेस आप शो कर सकते हैं, उनके लिंक दे सकते हैं, या अपने कस्टमर जो आपके कस्टमर थे तो उनका भी आप जो डिटेल है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। और प्लस के सेक्शन पे आप नया अगर सेक्शन ऐड करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं आसानी से। जैसे ये प्लस के सेक्शन पे क्लिक करके आप कुछ नया अगर आप हेडिंग है, कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है तो वो आप डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई भी आपको इसमें इशू नहीं होगा। वैसे अपडेट पर क्लिक कर देंगे हम, अगर फिर भी उसके बाद आपको कोई इशू होता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आप हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। नाउ हम इसमें हेडर और फुटर हम सेट करेंगे नया, तो इसके लिए हम इसको कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पेस्ट कर देंगे। और यहाँ कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करके हम जो ऊपर का हेडर और राइट साइड में जो नीचे वाला सेक्शन होता है फुटर का, तो उसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। या इस कस्टमाइज सेटिंग में हम यहाँ इसकी फॉन्ट, कलर्स, बैकग्राउंड इमेजेस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीधे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसा कि हम यहाँ लोगो पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लोगो चेंज करने का ऑप्शन आ गया है, यहाँ से हम अपने हिसाब से लोगो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अगर आपको फुटर में अगर कोई चेंज करना है तो वो भी इस पर क्लिक करके आप आसानी से चेंज कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और बहुत ही अच्छे लेवल की आप वेबसाइट बना सकते हैं। अब जैसा कि मेन्यू है तो इस मेन्यू बार को भी आप चाहे तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं आसानी से। पेजेस में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पेजेस बने थे जब हमने वेबसाइट इंपोर्ट की थी, तो उन पेजेस को भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं एडिट विद एलिमेंटर की टूल की मदद से। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आप ये होस्टिंग परचेस करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। डोमेन रेसर बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है दोस्तों होस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो मैं आपको एक बार रिकमेंड करता हूँ कि आप इनके प्लेन्स को एक बार जरूर चेक कीजिए और इनकी सर्विसेज को एक बार आप यूज़ में ज़रूर लेके देखिए, क्योंकि जो ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट में बहुत ही अच्छी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और साथ साथ ये सर्विसेज मैंने भी पर्सनली यूज़ में की हुई है, इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ जो आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।